समाचार लोकतंत्र की आवाज साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। जनपद बांदा के तर्रा हिंदू इंटर कॉलेज में विशाल प्रांगण में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्र अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अतरा नगर के सभी नगरवासी इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, अध्यापक, प्रधानाचार्य, समाज सेवी, व्यवसायियों, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अंत में सामूहिक रूप से देशभक्ति का संचार करने के लिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। आज पूरे देश में 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं, संगठन, सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर अमृत महोत्सव के साथ मनाया जाएगा। नगर के प्रबोध उत्साह में इन नगरवासियों की आज़ादी का आयोजन सम्मिलित के तत्वाधान में आयोजित किया गया। लगभग 2 घंटे तक चल रहे कार्यक्रम में नगर के महाविद्यालय से लेकर प्राथमिक स्तर के सभी विद्यालय के छात्र, अध्यापक, प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। लगभग इस अवसर पर पीएस शिक्षण संस्था से 6 से 7 हजार छात्र छात्राएं तिरंगा प्रतीक के उपस्थित रहे। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली मंचा सीन मुख्य अतिथियों के मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय अखिल भारतीय, सह संगठन मंत्री इतिहास संकलन लखनऊ से मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के प्रमुख डॉक्टर एस पी शुक्ला, डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर वी के श्रीवास्तव, कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, मनोज सक्षम, जिला प्रचारक संजय, इस कार्यक्रम के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, कार्यक्रम के जिला संरक्षक जितेंद्र एवं विभाग के सेवा प्रमुख माता दीन, विभाग संपर्क प्रमुख श्री एल उपाध्याय, नगर कार्यक्रम संयोजक राजेश गुप्ता, संयोजक राजेश गुप्ता, मैनेजर एवं ध्रुव उपाध्याय, एनसीसी अधिकारी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता संतोष द्विवेदी, सत्यनारायण चौरसिया, तेज बंधु रुपौलिया, डॉक्टर वी के शर्मा, विश्वकर्मा, अनुपम सोनी, नवनीत गुप्ता, रमाकांत आदि लोग उपस्थित रहे। 3 एनसीसी कैंडिडेटों में रोमांटिक उपस्थिति थी। लाइव टीवी समाचार के लिए नथु प्रसाद की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।